क्वार्ट्ज इज एक्सटेंसिवली यूज्ड एज पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, इट कंटेन्स, आंसर इज सिलिकॉन। देखो क्वार्ट्ज ना, पहले तो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनको अगर आप प्रेस करो ना, प्रेशर अप्लाई करो, तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह के मटेरियल्स को हम पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स कहते हैं। क्वार्ट्ज उसका एक एग्जाम्पल है। अब क्वार्ट्ज होता क्या है, क्वार्ट्ज सिलिकेट का एक एग्जाम्पल है। सिलिकेट, अब सिलिकेट्स क्या होते हैं, सिलिकेट्स ना Si(SiO4)-, इसको जोड़ जोड़ के बनते हैं, ठीक है, SiO4O- को। तो देखो मैं आपको बताऊं इसकी स्ट्रक्चर, ये टेट्राहेड्रल होता है, Si(O-)-O-)-O-), है ना, ऐसे है ना, देखो टेट्राहेड्रल है ना, SiO4O-, आप इसको जोड़ दोगे तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। जैसे इसको ना ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से ऐसे, ये जो चार है पता है कैसे देखना है इसको, इसको ऊपर से देखो ऐसे, ये टेट्राहेड्रल ऐसे, समझ में आ रहा है आपको, देखो ये है टुवर्ड्स द व्यूअर, ये है अवे फ्रॉम व्यूअर, है ना। इसको अगर आप ऊपर से देखोगे यहां से तो ऐसे दिखेगा ना, ये एक ऑक्सीजन एटम, तीन ऑक्सीजन एटम आपको यहां दिखेंगे ऐसे, और बीच में एक सिलिकॉन होगा, इसके नीचे ऑक्सीजन के नीचे होगा, ये ऐसे दिखाते हैं इसको, दिस इज वन वे टू रिप्रेजेंट, समझ में आ गई बात है, ऐसे। तो अब क्या है, दिस इज SiO4 4-, जिसमें सर्कल ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करता है, डॉट सिलिकॉन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसमें अब इसको क्या कर सकते हो, यू कैन ज्वाइन दीज बेसिक यूनिट्स टू फॉर्म शीट सिलिकेट, चेन सिलिकेट्स, ऐसे जोड़ दो ऐसे, मतलब ऐसे एक और ले लो ऐसे, बहुत सारे अलग अलग सिलिकेट्स होते हैं, ऐसे ले लो, जोड़ते चलो ऐसे, ऐसे जोड़ते चलो, मतलब समझ में आ गया, ऐसे जोड़ते चलो, एंड सो ऑन, डॉट 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 डॉट, ठीक है ना, ये हो गया चेन सिलिकेट। फिर क्या है, दो जोड़ दो ऐसे, ये पूरी चेन ले लो, पूरी चेन ले लो, नीचे भी एक पूरी चेन ले लो, दोनों चेन को जोड़ दो, ऐसे जुड़ जाएगा फिर वो, एंड सो ऑन, ठीक है ना, शीट सिलिकेट्स बन जाएंगे। फिर थ्री डायमेंशनल सिलिकेट्स होते हैं, ये कैसे बना, दो कॉर्नर शेयर करके, है ना, चेन सिलिकेट कैसे बना, चेन सिलिकेट बना जब दो कॉर्नर शेयर हुए, शीट सिलिकेट कब बना, जब तीन कॉर्नर शेयर हो गए, चौथा ये भी शेयर कर सकते हो आप, तो वो थ्री डायमेंशनल बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा फिर, ठीक है ना। तो जो थ्री डायमेंशनल सीट सिलिकेट होता है उसका फॉर्म होता है SiO2, इसको ऐसे दिखाते हैं। देखो थ्री डायमेंशनल में चार ऑक्सीजन शेयर हो जाएंगे ना, टू डायमेंशनल में कौन से, एक दो तीन, तीन शेयर हुए, थ्री डायमेंशनल में चारों शेयर हो जाएंगे, है ना, चारों शेयर हो जाएंगे तो उसको कैसे दिखा सकते हो, एक तो तरीका ये है, ये देखो दिस इज SiO4, दिस इज SiO4 ना, इसके चारों ऑक्सीजन एटम देखो शेयर हुए हुए हैं, ये थ्री डायमेंशनल शीट सिलिकेट, थ्री डायमेंशनल सिलिकेट ही है ये, इसका फॉर्मूला होता है SiO2, SiO2 हो जाएगा, ठीक है ना। दिखा दिया हमने यहाँ पे प्लेनर, पर ये प्लेनर होता नहीं है, हर सिलिकॉन यहाँ पे टेट्राहेड्रल शेप में होता है, दिखाने के लिए हमने दिखा दिया प्लेनर, ठीक है। तो SiO2, तो इसका फॉर्मूला हो गया, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, क्वार्ट्ज इज वन ऑफ देम, ठीक है ना, सिलिकेट्स बहुत तरह के होते हैं। तो वापस हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्वार्ट्ज एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है सिलिका का, ठीक है ना, SiO2 का, तो सेकंड पार्ट इज द आंसर, इफ एल्यूमिनियम एटम्स रिप्लेस अ फ्यू सिलिकॉन एटम्स इन थ्री डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, इसका थ्री डायमेंशनल नेटवर्क है, जो यही है ना थ्री डायमेंशनल नेटवर्क, देखो ये इसका थ्री डायमेंशनल नेटवर्क है SiO2 का, इसमें क्या करना है, इसमें से सिलिकॉन हटा के हमने कुछ एल्यूमिनियम लगा दिया, कुछ सिलिकॉन हटा के वहां पे एल्यूमिनियम लगा दिया, तो ये कह रहा है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर का चार्ज नेगेटिव हो जाएगा, ये बात सही है, क्योंकि सिलिकॉन की वैलेंसी है +4, ऑक्सीडेशन नंबर +4 है ना, एल्यूमिनियम क्या होता है +3, तो आप +4 हटा के +3 कर रहे हो,
यू आर डिक्रीजिंग पॉजिटिव चार्ज, तो ओवरऑल तो नेगेटिव ही हो जाएगा ना। तो ये बात है, सही है, एल्युमिनियम इज ट्राइवेलेंट वेयर एज सिलिकॉन इज टेट्रा वेलेंट, ये बात भी सही है। तो रीजन इज ऑल्सो एक्सप्लेनिंग द असम्पशन, तो बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन वन। देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है आंसर। सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक कोवलेंट थ्री डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड है ना, इन विच ईच सिलिकॉन इज कोवलेंटली बॉन्डेड इन टेट्राहेड्रल मैनर टू फोर ऑक्सीजन एटम्स, ईच ऑक्सीजन एटम इन टर्न इज कोवलेंटली बॉन्डेड टू अनदर सिलिकॉन एटम, हर ऑक्सीजन एटम और सिलिकॉन एटम से जुड़ा होता है। ईच कॉर्नर इज शेयर्ड विद अनदर टेट्राहेड्रॉन, ईच कॉर्नर मतलब क्या, ये एस आई ओ, ये कॉर्नर ही है ना, ये दिस इज वन कॉर्नर नेगेटिव है ना, दिस इज अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ऐसे उसका कॉर्नर ही होगा ना टेट्राहेड्रल का, ये टेट्राहेड्रल कॉर्नर हर दूसरे के साथ शेयर्ड होता है, टेट्राहेड्रल के साथ, दिस इज वन टेट्राहेड्रल, दिस इज शेयर्ड विद अनदर टेट्राहेड्रल, है ना, समझ में आ रही बात है। दिस इज कॉर्नर, दिस ऑक्सीजन इज प्रेजेंट एट कॉर्नर ऑफ टेट्राहेड्रल, तो शेयर होता है ऐसे। इंटायर क्रिस्टल में बी कंसिडर्ड एज अ जायंट मॉलिक्यूल इन विच एट मेंबर्ड रिंग्स आर फॉर्म्ड विद ऑल्टरनेट सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन एटम्स, तो ऐसा SiO2 की स्ट्रक्चर क्या होती है, एट मेंबर्ड रिंग, ये प्लेनर रिंग नहीं है ये, तो ऐसे बनती है ना। चलो ये तो स्ट्रक्चर बता दी। इफ एल्युमिनियम एटम्स रिप्लेस फ्यू सिलिकॉन एटम्स इन थ्री डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ओवरऑल स्ट्रक्चर नोन एज एल्युमिनियम सिलिकेट एक्वायर्स ए नेगेटिव चार्ज, अगर आप यहाँ से सिलिकॉन हटा के एल्युमिनियम लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल स्ट्रक्चर नेगेटिव हो जाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि एल्युमिनियम ट्राइवेलेंट है, सिलिकॉन टेट्रावेलेंट होता है। कैटायन सच एज Na+, K+ और Ca2+ बैलेंस नेगेटिव चार्जेस, तो अगर ओवरऑल नेगेटिव आ गया तो फिर कुछ ना कुछ तो कैटायन भी यहाँ हो सकता है ना, Na+ हो सकता है, मतलब आप क्या करो, सिलिकॉन हटा दिया आपने, Si4+ हटाया तो Al3+ आ गया, उसको फिर बैलेंस करने के लिए Na+ भी डालना पड़ेगा ना, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ जाएगा पूरा, तो बैलेंस कर सकते हैं, तो ऑप्शन बना है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन सेम ही है। इफ ए ट्राइवेलेंट एटम रिप्लेसेस फ्यू सिलिकॉन एटम्स इन थ्री डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, व्हाट वुड बी द टाइप ऑफ चार्ज ऑन ओवरऑल स्ट्रक्चर, ऊपर जैसा क्वेश्चन ही है ना, ये कह रहा है कोई ट्राइवेलेंट एटम अगर SiO2 में से सिलिकॉन को रिप्लेस कर दे तो ओवरऑल स्ट्रक्चर पे चार्ज क्या होगा, नेगेटिव, -1 हो जाएगा ना सिलिकॉन, फिर वही बात है सेम, ऊपर जो है वही क्वेश्चन आंसर सेम है।